खटीमा नागरिक चिकित्सालय में क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताएं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 29 दिनों से लगातार धरने पर हैं। आक्रोशित आशा कार्यकर्ताओं ने 21 अगस्त को अपनी मांगों को लेकर नगर क्षेत्र में चेतावनी जुलूस निकालकर सरकार के उपेक्षात्मक रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। गौरतलब है कि अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदेश व्यापी आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी व क्षेत्रीय विधायक प्रेम सिंह राणा ने खटीमा धरना स्थल पर पहुंचकर धरना समाप्त करवाया था, लेकिन आज फिर आशा वर्कर की जिला अध्यक्ष ममता पान व जिला सचिव कुलविंदर कौर के पहुंचने पर आशा कार्यकर्ताएं दो गुट में बंट गईं, जिसमें से एक गुट ने दोबारा धरना शुरू कर दिया। इस मौके पर पहुंची आशा वर्कर यूनियन की जिला अध्यक्ष ममता पानू ने कहा कि यह प्रदेश व्यापी आंदोलन है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री पर झूठा आश्वासन देने का आरोप लगाते हुए बताया कि अगर उनके मानदेय पर भी विचार किया जाता है तो वे धरना समाप्त कर देंगे। ममता पानू ने सीएम की पत्नी गीता धामी पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके बिना जानकारी के खटीमा की आशा कार्यकर्ताओं का धरना समाप्त करवाया गया था। यह एक प्रदेश व्यापी आंदोलन है, जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक आंदोलन जारी होगा और आगे तीव्र होता जाएगा। नीचे थोड़ी होगा, हम लोग आंदोलन में पूरे उत्तराखंड के जितने भी हम लोग हैं पूरे जिले से बैठे हैं, पूरे उत्तराखंड में जितने भी जिले हैं सब लोग बैठे हैं हम लोग, और हम लोग धरना नहीं तोड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वासन तो दिया था लेकिन अपने झूठे वादों में झूठे निकल गए अपने वादों में, और हमारा कहना यह है कि अगर जब हमारे मानदेय अगर वो लोग कर देते हैं तो हम धरना तोड़ देंगे, अगर इतनी जल्दी उनको हो तो हमारी बात भी उनको सुननी पड़ेगी। और इस तरीके से कल मुख्यमंत्री जी की पत्नी यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन को समाप्त कर के और लेटर बना के चुपे चुपे हमें पता भी नहीं है, और मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा। अगर कुछ आशा बहनों के उससे हमें पता नहीं चलता तो यहाँ पर तो टूट ही गया था धरना, और हमारी लड़ाई कच्ची पड़ जाती है और हम अपने लड़ाई में कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई को हम कमज़ोर नहीं करेंगे, अगर मुख्यमंत्री जी हमारी मांग को पूरी नहीं करते हैं तो इस लड़ाई को हम और तेज करेंगे। अगर तब भी नहीं मानते हम सड़कों पर उतर जाएंगे तब भी हम इस धरने को नहीं तोड़ेंगे, धरना जारी रहेगा। मेरा ममता पानू, मैं जिला अध्यक्ष।